उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब्बास, मैं सबसे पहला ये सवाल आपके सामने रख दूं, ये सीधे जीती हुई लड़ाई हारी है कांग्रेस, तो इसका जिम्मा किसका है अब्बास? देखिए, सबसे पहले तो हमने अभी हार ही नहीं मानी है। अभी बहुत सी सीट्स हैं जिन पर मार्जिन 500 और 600 के हैं गरिमा जी, और बहुत जल्दी ऑब्विटरी लिख देना मुझे लगता है कि शायद ये सही भी नहीं होगा। नहीं, वो फिर इससे पहले भी चुनाव बताइए ना, हरियाणा में परिवर्तन आए हैं ऐसा मैं भी इलेक्शन कमीशन की साइट देख रही हूँ, तकरीबन 32 सीटों पर तो तय है 15,000 से 18,000 का मार्जिन है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। वो जो छोटी छोटी सीट थी उनका नतीजा आना शुरू हो गया जी। मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी और बहुत साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से जो भी पोलराइजेशन रहा और जिस तरह के भाषण और तमाम चीज़ें की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उससे उन्हें कुछ फ़ायदा मिला उसमें, एक हारी हुई बाजी को वो लड़ाई में आए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यहाँ वोट शेयर बिल्कुल बराबर बराबर है, और जब वोट शेयर बराबर बराबर होता है गरिमा जी, तो परिणाम बहुत सारे बदल भी जाते हैं, और उन परिणामों का इंतजार करना ही इस वक्त सबसे बड़ी चीज होती है। आप जम्मू कश्मीर की जब चर्चा कर रही थी, वोट शेयर जो बिल्कुल बराबरी पर खड़ा हुआ इस वक्त दिख रहा है, थोड़ा सा बीजेपी का ही ज्यादा है, बहुत मामूली सा, वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले 70,000 वोटों से जीत गए। वो खुद एक इतने हैवी वेट हो गए कि उसका वोट शेयर पर फर्क पड़ा, तो वोट शेयर से सीट काउंट जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इनजेन्युइन है क्या? देखिए, मैं वो नहीं कह रहा, मैं अभी जब ECI की वेबसाइट से ज़्यादा अगर तेज़ आंकड़े आपके पास है, तो वो हो सकता है कि वहाँ के आपके लोकल जो करस्पॉन्डेंट्स हों वो अपडेट कर रहे हों, लेकिन जब मैं देख रहा था और 4-5 ऐसी सीट्स मुझे दिख रही थी साफ तौर के ऊपर कि जहाँ मार्जिन्स बदल रहे थे, 300, 400, 600, 700, 1000, 1100 ऐसे हो रहे थे। मैं बहुत सीट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक INLD जो सीट के ऊपर लीड कर रही है, वहाँ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट 800 वोट से पीछे दिखे थे मुझे उस वक्त, ट्रेल कर रहे थे, जबकि वो उनसे पहले के जितने राउंड्स थे, कभी 1500 से फिर 1300 मार्जिन हुआ कांग्रेस की ट्रेलिंग का, उसके बाद 1000 हुआ, फिर 800 कवर करना उनको मैंने देखा वहाँ। चार सीटें अब ऐसी तो चलिए सीट और भी रही, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ये बड़ा नेक टू नेक चुनाव हुआ, जिस नेक टू नेक की हमें दो और ले लीजिए, कितनी हो गई 40 सीटें, बीजेपी 50 सीटों पर खड़ी दिखती है भाई, और ये तीसरी दफा का परफॉर्मेंस है बीजेपी का। देखिए, क्या पूरी 90 सीट्स के परिणाम आ गए हैं? अभी नहीं आए हैं, और ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब पॉकेट्स खुलते हैं तो बहुत बड़े बड़े मार्जिन्स भी खत्म होते हुए हमने देखे हैं। मैं यही कहूंगा कि शायद अभी थोड़ी सी जल्दी होगी ये कह देना कि हम चुनाव हार गए या बीजेपी चुनाव जीत गई, क्योंकि आपने मुझसे ज्यादा देखा है कवर करते हुए कि यहाँ पे पॉकेट्स जब खुलते हैं तो पॉकेट्स परिवर्तित करते हैं। पार्टनर है आपके, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस विवादों के चलते इस तरह हाशिए पर पहुंच रही है। आपकी प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है कि कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए, तो आप ही के भीतर से आवाज उठ रही है। देखिए, किसने किस संदर्भ में कहा है, इंडिया अलायंस के अलग अलग, कहीं कहीं हम इंडिया अलायंस में अलग अलग भी लड़े हैं, जैसे PDP भी लार्ज अलायंस का तो हमारा हिस्सा रही, लेकिन अपने अपने कॉन्टेक्स्ट होते हैं किस उसमें कहा। अलायंस जीता है जम्मू कश्मीर में, और अलायंस का फायदा दोनों पार्टीज को मिला है। अगर अलायंस नहीं होता तो शायद हालात थोड़े से और परिवर्तित होते। आप लोग कश्मीर की चर्चा कर रहे थे, मैं तो कश्मीर में रहा एज इंचार्ज, 1 महीने में 25 दिन रहा, मैंने वहाँ पर जो चीज़ देखी वो तमाम यही थी कि देखिए, हमें जो सीट्स मिली थी वो थोड़ी मुश्किल भी थी, कम भी थी। जम्मू का लार्जर शेयर हमारे पास था, जो जम्मू को रात दिन पोलराइज किया जा रहा था, जबकि उस जम्मू ने भी बीजेपी को रिजेक्ट किया है, 50% सीट्स भी बीजेपी वहाँ पे लाने में बहुत मुश्किल हुई है उसको। अब अगर बात की जाए वैली की, तो वैली में जो अच्छा परफॉर्मेंस है वहाँ पे हमारी कुल 7 सीट्स थी, तो उसमें परिवर्तित हुए हैं आंकड़े, और जब अलायंस होता है तो लार्जर जो फायदा होता है वो सबको मिलता है। कांग्रेस पार्टी उसका थोड़ा सा सच्चाई के नजदीक आइए, करीब आइए। आप कह रहे हैं जम्मू में बीजेपी को नकार दिया, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको कि वैली में बीजेपी जीरो ही भाई, जम्मू में 28 जम्मू में बीजेपी को क्यों नहीं नकारा? जम्मू की 44 सीटें हैं, और जम्मू की 44 सीट्स में से 28 बीजेपी जीत रही है, मैं मान रहा हूँ,
जम्मू की जितना मुझे पता है 44 सीट्स हैं वहां पे, और अगर वहां पे जो सीट्स हैं उसका अगर आप देखें तो बीजेपी अगर स्वीप करती तो मानते कि जनमानस है बीजेपी के साथ, जनमानस है बीजेपी के साथ तमाम चीजें हैं, लेकिन जम्मू के लोगों ने भी अपनी नाराजगी बीजेपी से दर्ज कराई। रोहन, बांछें खिली होंगी शरीर में अब जहां भी होती हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जहां भी हैं बांछें इस समय खिली हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की, हरियाणा में जश्न है, तो ऐसे में क्या हुआ जमीन पर ये कि सारे एग्जिट पोल जो है सब डब्बा गोल हो गए? देखिए, पूरा चुनाव में हरियाणा ही था वॉर रूम का, वहां पे मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी। एक जो हवा हवाई मुद्दे होते हैं, क्योंकि मैंने दोनों जगह से ये चीजें देखी है, कि हवा हवाई बातें और जमीनी मुद्दे, ये जो फर्क जो है ये भाजपा समझ पाती, इतना मैं ही चुनाव से समझा। एक माहौल बनाया गया पूरा चुनाव के, लोकसभा चुनाव के बाद में संविधान के नाम पे हरियाणा में भी कहा गया कि 5-5 सीट आ गई, अब तो कांग्रेस जीतने वाली है, संविधान के नाम पे जो दलित है जो वो कांग्रेस के साथ चला जा रहा है, एक माहौल बनाया गया और गया भी, और गया भी 68% में सिर्फ अगर हरियाणा की फिर बात करूं, फिर भी मैं आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी डिबेट में मैं था तब मैंने कहा, और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूँ, उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर उनकी जो नीतियां हैं उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं, मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, गोहाना की जलेबी, गोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा। नायब सिंह सैनी के बारे में जो आखिर तक परसेप्शन एक बना 6 महीने के भीतर, वो ये बना कि भाई मुख्यमंत्री आवास उन्होंने खोल दिया, मुख्यमंत्री का दफ्तर उन्होंने खोल दिया, और दोनों जगह उन्होंने साख बचा ली अपनी। लाडवा में भी जो फंसी हुई सीट दिख रही